प्रदेश में गर्मी का पारा बढ़ने के साथ ही लू लगने का खतरा भी बढ़ने लगा है। अगर आप भी गर्मी में घर से बाहर ज़्यादा घूमते हैं और लू लगने का खतरा बना रहता है तो इस फूल के बारे में जान लीजिए। हम बात कर रहे हैं टेसू या पलास के फूल की। इस फूल के रस को नहाते समय उपयोग करने से आपको कभी लू नहीं लगेगी। जिले के अरावली की पहाड़ियों में व तलहटी क्षेत्र में पाए जाने वाले यह पेड़ बहुत उपयोगी है। इस पेड़ पर फूल मार्च माह के बाद गर्मियों में खिलने लगते हैं। इसके पत्तों से भोजन रखने के लिए दोना पत्तल बनाए जाते हैं। वहीं गर्मियों में इस पेड़ पर लगने वाले ये लाल रंग के फूल औषधीय उपयोग में काफ़ी काम आते हैं। पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में ये फूल काफ़ी स्थानों में नजर आते हैं। दूर से जंगल में आग जैसी दिखाई देने के कारण इस फूल को जंगल की आग नाम भी दिया गया है। होली के लिए रंग बनाने के अलावा इस फूल को पीस कर चेहरे में लगाने से चमक पड़ती है। शरीर में कहीं भी खुजली, त्वचा पर जलन, खसरा, चेचक जैसी बीमारी होने पर टेसू के फूल के पानी से नहाने से काफ़ी राहत मिलती है। टेसू के फूलों को सुखाकर पानी में भिगोकर रख दें व गर्मियों में रोज़ाना इसे नहाने में उपयोग करें तो लू या त्वचा से संबंधित बीमारी नहीं होगी। इस फूल के महत्व के बारे में सेवानिवृत्त जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर दामोदर प्रसाद चतुर्वेदी ने जानकारी दी। पौधा है, इसके लाल फूल होते हैं, औरतों के रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर में काम आता है। इसके अलावा पुरुषों में या सभी जीव जंतुओं के लिए कर दो, पुरुषों में कर दो, सभी पुरुषों में कैसा भी रक्त प्रवाह हो रहा हो, रक्त पित्त है, खून है, बवासीर है, मस्से हैं, सब में वो काम आता है। इसका जूस बना करके भी लिया जा सकता है। इसके चार चार पत्ते फूल उनको रस बना करके मिश्री के साथ भी लिया जा सकता है। साथ ही गर्मी, शरीर में कैसी भी उष्णता हो, गर्मी हो, जिसमें पित्त प्रकोप हो जाता है, शरीर में जलन होती है, हाथ पैरों पगथलियों में जलन होती है, औरतों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा।